गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टेक योर सीट। और आज हम लोग पढ़ेंगे, ये देख रहे हैं एक वस्तु कह सकते हैं, बॉल है। इस वस्तु पर चार्ज का क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु के मास पर बात करेंगे। वस्तु है जिसका मास कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए 200 ग्राम है, यह अनावेशित वस्तु है। यदि इसको आवेशित कर दें, अर्थात इस पर आवेश दे दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मास घट जाएगा या बढ़ जाएगा, होगा क्या? घट जाएगा तो क्यों घटेगा, बढ़ जाएगा तो क्यों बढ़ेगा, या फिर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा। तीन टॉपिक्स लेकर आए आपके पास आज। पहला तो यह हो गया कि चार्ज का वस्तु के मास पर क्या प्रभाव, फर्स्ट टॉपिक्स हो गया। सेकंड टॉपिक्स है कि आवेश का हम निर्माण कर सकते हैं कि नहीं, उसका विनाश कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं। उस पर विचार करेंगे आखिर, नहीं तो क्यों नहीं, नहीं निर्माण कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। दो टॉपिक्स हो गया। और तीसरा टॉपिक्स है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ज, आवेश का इंपॉर्टेंस क्या है। एट है का 9th January 2019 और आप बैठे हैं अभी फिजिक्स क्लास 12 को पढ़ने के लिए, और इसमें हम लोग शुरुआत किए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश। इसमें क्या पढ़ना है, शीर्षक डालेंगे हम लोग, पहला टॉपिक्स का नाम होगा इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मास ऑफ ए बॉडी। हिंदी में कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान पर आवेश का प्रभाव, आवेश का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों प्रभाव पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। देखिए तो यहां लिए थे एक दिन सोडियम एटम और यहां पर क्लोरीन एटम, तो एटम लेना जरूरी नहीं है, कोई बड़ी भी लेंगे तो काम चलेगा, बड़ी ये ले ले और ये बड़ी भी ले, ध्यान देंगे प्लीज। और ये बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन ही माना इसको दिया, सोडियम एटम भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, ये क्लोरीन एटम ले लेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। चलो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन दिया हम लोगों को पता है, पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 11 नहीं था, देख लेते हैं, यहाँ था 2, 8, 1 है ना, और प्रोटॉन की संख्या 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन से यहां कोई मतलब,
जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया क्लोरीन के पास, क्या हुआ, यहाँ प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं रहा। पहले क्या था, जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट उतना ही नेगेटिव चार्ज का अमाउंट था, दोनों क्या हो जाता था, एड करने के बाद नेट चार्ज जीरो। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8, 2, 10 ही इलेक्ट्रॉन के इसके पास रहा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11, इट मींस एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा। ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने के कारण इस पर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन पर इतना ही आवेश था, ये क्यू बराबर। इट मींस क्या हो गया, ये जैसे त्याग करेगा एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही ये इस पर चार्ज हो जाएगा इतना, और इस चार्ज के लिए हम बताए थे सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव सिंबल होता है, यहाँ दे देंगे प्लस, इसका मतलब सोडियम एटम पूरी तरह चार्ज हो गया, चार्ज तो हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं इसके पास क्या हुआ, यहाँ 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और चारों तरफ घूम रही थी कौन रे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 8 और 7, यहाँ देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन जब हुआ इसके जाते ही क्या हो गया, 8, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, किंतु प्रोटॉन है 17, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया -1.6 × 10⁻¹⁹ ये चार्ज। तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, चूंकि निगेटिव चार्ज इस पर आ गया, आयन बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कारण ये त्याग किया, इस पर एक्स्ट्रा प्रोटॉन, प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा। अब देखते हैं, अभी तक तो हो गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज बढ़ी हो गया, ये निगेटिवली चार्ज बढ़ी हो गया, तो मोस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया सोडियम एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे उसके पास दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास भी उसके साथ चला गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो अपना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है तो उसका अपना मास भी होता है, और ये मास आप जानते हैं कितना, 9.11 × 10⁻³⁴ kg, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास भी इससे निकल जाएगा, जैसे निकलेगा तो इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, इतना मास निकल गया तो घटेगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इट मींस इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज के साथ आएगा ही, साथ ही साथ अपने पास ये मास भी लाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है ना, तो चलिए मास भी इसके पास जब आएगा तो मास इसका क्या होगा, क्लोरीन एटम का बढ़ जाएगा, ठीक। तो हम लोग अब सीखे कि चार्ज बॉडी के का मास घटता भी है, बढ़ता भी है, किसका घटेगा, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका मास घट जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कारण भी हम लोगों को समझ में आ गया, ओके, फिगर ड्रॉ कीजिए फिर लिखाते हैं।
जो भी न्यू स्टूडेंट है 5 से 7 क्लास छूटा होगा नहीं, उसको मेकअप आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, मोबाइल है तो उसको चलाइए अथवा यहाँ आइए, हम मेकअप करेंगे प्रोजेक्टर के द्वारा, सिस्टम भी है ऑफिस में, आप मेकअप कर सकते हैं। न्यू बैच 22 तारीख को शुरू करेंगे, उसमें आकर मेकअप कर सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही आवेशित होती है, और हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास कॉमन ME = 9.11 इंटू 10^-31 केजी होता है। अतः जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, उसका मास घट जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसका मास बढ़ जाता है, इस तरह से हम लोग सीखे कि वस्तु के द्रव्यमान पर आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए सोडियम प्लस का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ये प्लस का और सीएल माइनस का मास बढ़ जाएगा। हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, वो क्विज साप्ताहिक सुने होंगे, साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता हम लिखे हैं एनविल में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन करेंगे आगे कि बताओ एक सोडियम एटम है और एक सोडियम, जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा
अभी केंद्रीय बल लगेगा अर्थात केंद्र की ओर नेट फोर्स लगेगा तभी वह वस्तु घूम सकती है अन्यथा नहीं घूमेगी। देखो अभी इस बॉडी पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? टेंशन। तो दोनों इक्वल और अपोजिट है तो क्या हो गया? स्थिर हो गया नहीं। अब इसको हम सर्कुलर पाथ पर घुमाना चाहेंगे, घुमाना चाहेंगे तो नेट फोर्स किधर लगना पड़ेगा? ऊपर की ओर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे इसको घुमाएंगे ये वेलोसिटी इसमें देंगे तो देखिएगा इसे वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा? ये घूमना शुरू हुआ और इस स्थिति में क्या है? इस स्थिति में भी नीचे देखना ये नीचे जैसे जाती है यहाँ वस्तु एम जी नीचे की ओर लगता है लेकिन ऊपर की ओर टेंशन, और टेंशन का मान एम जी से ज्यादा है तभी ये वस्तु घूम रही है अन्यथा नहीं घूम सकती है। ओके ये घूम रही है तो क्या हुआ? सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, रस्सी के द्वारा बल लगाया जा रहा है किस पर? वस्तु पर, तभी ये सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। चलिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी घूमती है किसके चारों ओर? ऑर्बिट के चारों ओर। और ऑर्बिट में आप जानते हैं कौन, ऑर्बिट में कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो ऐसे नाम से पता चलता है न्यूट्रल, नो चार्ज है तो मतलब इसको नहीं। चलो लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज आता है हम लोग जानते हैं, और ये चारों ओर घूमने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो बताओ ये यहाँ यदि प्रोटॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, विकेंद्रीय बल लगना चाहिए। किस ओर? केंद्र की ओर। यही अभी चल रहा है 11th में यहाँ। तो बताओ कि केंद्र की ओर बल लगा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, तभी ये घूम रही है। तो ये केंद्र की ओर कैसे बल लगा रहे? सर चार्ज के कारण। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव अट्रैक्शन नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, इसको क्या करेगा? और इसमें वेलोसिटी पहले से है तो क्या होगा? ये घूमेगी। तो बताओ कि यदि ये दोनों पर आवेश नहीं रहता, हम लोग को विचार करना है, तब क्या होता? इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूमता, और इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता तो फिर बताओ, अरे बताओ जब एटम है, इसको एटम कहेंगे, एटम है तो एटम का निर्माण हम लोग कैसे हुआ है जानते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तीन फंडामेंटल पार्टिकल से। और देख रहे हैं दोनों पर आवेश नहीं रहता तो फिर एटम का निर्माण नहीं होता। और एटम का निर्माण नहीं होता तो बताओ ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु बनी है किससे बना है? एटम बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो बना है एटम, ये चार्ज के कारण से। चार्ज नहीं रहता तो एटम का निर्माण नहीं होता, और एटम का निर्माण नहीं होता तो ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं होता। हम लोग अभी हैं, क्या लगता है इसमें एटम नहीं है क्या? नहीं, इसमें भी सोडियम क्लोरीन आयरन सब चीज में दिखाता है कि आयरन घट गया बॉडी में। अरे आयरन घट गया मीन्स क्या हो गया? लोहा है, उसमें भी एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो बताइए चार्ज का कितना महत्व है? खाली चार्ज पढ़ लिए लेकिन इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना तो सख्त जरूरी है। चार्ज नहीं रहता दुनिया का कोई भी चीज नहीं होता। दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, चंद तारे सूर्य जो भी देख रहे हैं, क्या लगता है वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं हो रही है क्या? तो ये इस महत्व को हम लोगों को समझना है और लिखना है। ठीक है, ठीक है।
सुपासनीय है। फील कीजिए, जो पढ़िए फील कीजिए, महसूस नहीं कीजिए अगर पढ़ रहे हैं किताब में कॉपी में। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एटम का निर्माण, हम लोग जानते हैं कि एटम का निर्माण फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है, न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, किंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात यह उदासीन होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। हम यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम के नाभिक में, रहता है, इलेक्ट्रॉन एटम के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के नाभिक में रहता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहती है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रुक जाइएगा, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहां तक आए, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर जोड़ देना है, सर्कुलर ऑर्बिट CIRCULAR सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट का हिंदी क्या होता है, कक्षा कहिए, वृत्तीय कक्षा में घूमते रहता है। हम यह भी जानते हैं, किसी भी वस्तु को
यह पथ पर चलने के लिए वित्तीय पथ पर चलने के लिए अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में सेंट्रीपिटल फोर्स यहां देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की नितांत आवश्यकता होती है कि नितांत आवश्यकता होती है पुलिस साहब यहां इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश नहीं रहता तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगता नहीं लगता जिसके कारण एटम का निर्माण नहीं होता जिसके कारण एटम का निर्माण नहीं होता और एटम का निर्माण नहीं होता और एटम का निर्माण नहीं होता तो ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं होता तो ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं होता क्योंकि ब्रह्मांड के हर एक वस्तु का निर्माण क्योंकि ब्रह्मांड के हर एक वस्तु का निर्माण एटम से ही हुआ है
तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि चार्ज है तो हम हैं, चार्ज है तो हम हैं और हमारा ये पर्यावरण नहीं ब्रह्मांड है, मेरे चार्ज है तो हम है और हमारा यह ब्रह्मांड है। और क्या होगा? ओके, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी।